बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद सास बहू में बहुत बहुत वेलकम। कैसे हैं आप लोग? और अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक हैं। अल्लाह पाक आप सबको अपने ज़ुमान में रखे। और आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन टिक्का। इसके लिए हमने जो इंग्रेडिएंट्स लिए, ये पूरी एक चिकन है, देखें दो ब्रेस्ट पीस हैं इसके और दो लेग पीस हैं। पूरी चिकन ली है इस तरह से हमने, से बाज़ार से कट्स ही लगवा के मंगवाई है। आप चाहें तो घर में भी लगा सकते हैं, हमने बाहर से ही लगवा लिया। इसके इस तरह से देखें, कट्स ज़रूरी हैं ताकि इसमें मसाला अच्छे से मैरिनेट हो जाए। इसमें भी लगाए हैं, देखें सब कट्स अच्छे से कट्स लगने चाहिए ताकि इसमें मसाला अच्छे से मैरिनेट हो जाए। ये पूरा एक चिकन लिया है हमने, एक प्याला भर के एक पाव दही लिया है, दो टेबल स्पून भर के जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है, 1 टीस्पून रोस्टेड ज़ीरा है, 1 टीस्पून साबित धनिया है, 1/2 टीस्पून अजवाइन है, 2 टेबल स्पून लेमन जूस है, 1/4 टीस्पून जर्दे का रंग है, 1 टीस्पून भर के गरम मसाला पाउडर है, और ये है देगी लाल मिर्चें, ये मैंने ली है 2 टीस्पून, और ये है कचरी पाउडर, इसको मैंने लिया है 1 टीस्पून भर के, 4 टीस्पून भर के लाल मिर्ची पिसी हुई वो ली है, और 1/2 टीस्पून भर के मैंने गरम मसाला पाउडर लिया है। सबसे पहले हम अजवाइन, साबित धनिया और ज़ीरे को पीस लेंगे। अजवाइन, ज़ीरा और साबित धनिया मैंने इस तरह बारीक पीस लिया है, पाउडर बना लिया है। जाते हैं मैरिनेशन की तरफ। सबसे पहले हम दही लेंगे। मसाला इसका ज़्यादा ही बनेगा क्योंकि मैरिनेशन में चिकन में मसाला बहुत ज़्यादा लगेगा। अच्छे से मैरिनेट करना है इसको, और चाहे तो आप ओवरनाइट कर दें, और अगर आपको शाम में बनाना है तो आप मॉर्निंग में बना मसाला लगा के रख दें। बस मैरिनेशन के लिए मसाला अच्छा होना चाहिए, खूब स्पाइसी सा। लाल मिर्ची पाउडर डाल देंगे, गरम मसाला पाउडर, देगी लाल मिर्चें, कचरी पाउडर, चाट मसाला, जर्दे का रंग, लेमन जूस, लहसुन अदरक का पेस्ट, और जो हमने पाउडर बनाया था अजवाइन, ज़ीरा और साबित धनिया का, तो हम मिक्स कर लेंगे। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना, कितनी अच्छी आ रही है एकदम से। नमक ऐड करेंगे, सॉरी नमक बताना भूल गई थी मैं, आप अपने टेस्ट के मुताबिक नमक इसमें ऐड करेंगे। इन मसालों की खुशबू एकदम से इतनी अच्छी आई, बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। मसाला हमारा बन गया है, अब हम इसको अपने चिकन में ऐड करेंगे। मसाला बिल्कुल हमारा मिक्स हो गया है, सबसे पहले हम ये अपना बड़ा वाला पीस लेंगे, इसमें ऐड कर सबसे पहले बड़े वाले पीस में लगाएंगे मसाला। हाथ धो लें, अच्छे से लगाएं इसको हाथ से। अब ये दूसरा वाला पीस लेंगे, इसके कट्स में देखें मैंने कितने अच्छे से लगाया है। ये कचरी पाउडर की वजह से ना इसमें ये अच्छे से गल जाएगी, ये देखें इसके कट में अच्छी तरह भरना है इस तरह से। देखें मसाला, पहले हम बड़े वाले पीसेस में मसाला लगा देंगे अच्छे से, इसके कट्स में लगा भरना है ताकि अच्छे से इसमें मैरिनेट हो जाए, अंदर से हमारा चिकन बहुत जूसी और बहुत अच्छी बने। अंदर से रूखी रूखी चिकन निकलती है ना, बिल्कुल मज़ा नहीं आता उसमें। अच्छे से मालिश कर देनी है मसाले से चिकन की। इसमें हम थोड़ा सा ऑलिव ऑयल भी ऐड करेंगे, अभी 2 टीस्पून 2 टेबल स्पून कितना काम हो गया। अम्मी वीडियो बन रही है। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम।
और कितना काम हो गया आप लोगों का? बस अम्मी 5-10 मिनट बच्चे और पकड़ लें आप। अम्मी ना हमारे बच्चे पकड़ के बैठी हुई हैं, जब भी अम्मी को लिया नहीं है आज वीडियो में। और अली फातिमा अभी सुबह का टाइम है ना तो तंग कर रहे हैं, शाम में हमें बनाना ही है तो हमने बोला चलो अभी मैरिनेशन करके रख देते हैं। अम्मी इसमें मैंने ना क्या क्या डाला, लहसुन अदरक का पेस्ट, दही, लाल मिर्ची पिसी हुई, नमक, ऑलिव ऑयल, देगी लाल मिर्चें, गरम मसाला, चाट मसाला, धनिया, ज़ीरा और अजवाइन का पाउडर डाला है। और हाँ मसाला नहीं लगेगा, निकलेगा ना, तो लेमन जूस डाला है इसमें। और इसमें डाला है हमने हल्दी थोड़ी सी, वो डाली है और वो कलर डाला है जी जी, जर्दे का रंग डाला है। सब चीज़ें इसमें लगा दिए हैं, नमक डाला है। अब ये मैरिनेट हो गया है ना, अब हम इसको 6 से 8 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे, अच्छे से ये मैरिनेट हो जाएगा, मसाला अच्छे से लग जाएगा, फिर उसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे। देखें ये अच्छे से मसाला मैरिनेट हो गया है। अभी कचरी पाउडर भी लगाया है हमने इसमें ना, ताकि जो है ना ये अच्छे से चिकन इसमें हमारी गल जाए। कुछ चिकन होती है ना ऐसी कच्ची कच्ची अंदर से रह जाती है, ऊपर से पक जाती है और मसाला भी अंदर मैरिनेट नहीं होता, तो ये चिकन जल्दी बन जाएगी और अच्छे से गल भी जाएगी अंदर से। टिक्का खाने की साकिब को बहुत जल्दी मछली है। कितनी देर लगेगी, बहुत टाइम लगेगा। और इतनी अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से, खुशबू एकदम से बहुत मज़े की है। और देखें कितना अच्छा कट्स के अंदर लगा है। अब हम चिकन को जो ना सारे इस तरह से करके रखेंगे, जो कट वाला साइज है ना हमारा, वो हम रखेंगे मसाले की तरफ, नीचे की तरफ, ताकि मसाला हमारा बिल्कुल अंदर तक चला जाए, इसमें अच्छे से मैरिनेट हो जाए। इसको रखना कि इसमें फ्रीजर में या फ्रिज में? नीचे फ्रिज में रख दें। अब जिनके पास फ्रिज नहीं है वो बेचारे तो फिर भारी रखेंगे ना, तसला रखे नीचे। पहले के लोग ऐसे ठंडा पानी रखते हैं, पहले के लोग ऐसे करते ना, ठंडा पानी करते हैं ना मम्मी, ठंडा पानी करके आओ तो आप लोगों का फ्रिज चलेगा। हाँ ये हमारा अच्छे से हो गया मैरिनेट। बहुत से गाँव आज इसी तरह के अल्लाह का शुक्र है हमारे पास सारी फैसिलिटीज़। हाँ अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा करते रहा करें आप लोग भी। अल्लाह पाक ने हमें इतनी अच्छी ज़िंदगी भी दी और हर नेमत से नवाजा भी है। कितने लोग ऐसे हैं जो पहले तो जिनके घर में तो गैस भी नहीं थी, लोग लकड़ियों पे खाना बनाते थे, और अल्लाह का शुक्र अब तो फ्रिज है, एसी है, लोगों के घरों में हर चीज़ की फैसिलिटी है, फिर भी लोग इतना नाशुक्र अदा करते हैं। हमारे यहाँ ये नहीं है, मैंने कितने लोगों को ऐसे देखा है। अल्लाह का शुक्र हर हाल में अदा करा करें कि अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह पाक ने हर नेमत से हमें नवाजा है। अल्लाह पाक हम सबको अपने शुक्रगुजार बंदों में शामिल फरमाए। चलें ठीक है, मिलते हैं 6 घंटों बाद। ये मेरी मैरिनेटेड चिकन है, ये देखें हमारे 6 से 7 घंटे हो गए इसको मैरिनेट हो हुए हुए, कितने अच्छे से मसाला इसमें बिल्कुल लग गया है। और मैंने यहाँ पैन में दिया, मैंने 1 टेबल स्पून भर के ऑयल लिया है, बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल जाएगा, देखें कितना गर्म हो गया है ऑयल। हम अपना चिकन इसमें रखेंगे। पहले 5 मिनट हम इसको थोड़े हाई फ्लेम में बनाएंगे ताकि इसका ऑयल निकलना शुरू हो जाए, उसके बाद हम इसको लो करेंगे फैट साइड पर पलट के। पलटेंगे और उसको कवर करके रख देंगे हम 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे। ये देखिए हो गया है, हम इसको हट निकाल लेंगे, दोनों साइड से हो गया ये अच्छे से। ये देखिए हमारा पैन छोटा था, हम एक पैन में ये वाला एक कर रहे हैं और दूसरे वाले मैंने रख दिया है, उसमें हम दो कर रहे हैं, दो उसमें बन रहे हैं, लेकिन पीछे अच्छी शक्ल लग रही है और माशाल्लाह से ये हो भी रहे हैं। अब हम दोबारा इसको इसमें मसाला लगा के ब्रश से, उसके बाद हम दोबारा इसको फ्राई करेंगे एक दफ़ा और 5 से 7, 2-4 मिनट के लिए बहुत तकरीबन। बस ये भी हो गया ऑलमोस्ट, बस लेकिन यहाँ से रह गया थोड़ा सा, हम इसको यहाँ से करेंगे थोड़ा सा, ज़्यादा इसको उल्टा पुलटा नहीं करना है वरना तो उसमें मसाला निकल जाएगा और फिर टूट भी सकती है, ये शॉर्ट हो रही है। अब हम ये जो हमने चिकन का टिक्का निकाला था
फ्राई करके इसके ऊपर दोबारा से अपना मैरिनेशन वाला जो मसाला है वो दोबारा से इसके ऊपर लगाएंगे ताकि इसका अच्छा सा और टेस्ट आ जाए और मसाला इसके अंदर अच्छे से जज्ब हो जाए। और दोबारा से फिर इसको हम फ्राई करेंगे। बिल्कुल ऐसी खुशबू आ रही है और बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे रेस्टोरेंट्स वगैरह में नहीं मिलता टिक्का, बिल्कुल वैसी बहुत मज़े का लग रहा है ये। एक साइड से ब्रश कर दिया, अब दूसरी साइड से भी इसको ब्रश करेंगे मसाले को, फिर इसे फ्राई कर लेंगे। ये दूसरी साइड से भी करेंगे, अच्छे से लगा देना है मसाला। इसी तरह सारी चिकन को मसाला लगाएंगे, फ्राई कर करके निकालेंगे, फिर दोबारा से ब्रश को मसाला लगाएंगे, फिर दोबारा से हम फ्राई करेंगे 4 से 5 मिनट। इसको दोबारा फ्राई करेंगे 4-5 मिनट के लिए। थोड़ी सी मीडियम फ्लेम पे हम इसमें कोयले का स्मोक लगाएंगे। हमारे स्मोक लग गया है, ये गर्मा गर्म टिक्के बहुत मज़े के रेडी हैं। आप भी ट्राई करिए जी। ये लें मज़ेदार गर्मा गर्म टिक्का, रेडी है होममेड मसालों का बना हुआ और बहुत मज़े का है, बहुत इजी है, बस थोड़ी सी मेहनत लगती है, बहुत एहतियात से बनाना पड़ता है कि टूट ना जाए और मैरिनेशन में टाइम अच्छा देना पड़ता है कि मैरिनेट करके रख लो। और आप 24 आवर के लिए रख सकते हैं कि आप रात को रख दें, ओवरनाइट के लिए रख दें। और आप लोग भी ट्राई करिएगा, अपनी दुआ में हमें याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।